पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। और एक आपने सवाल पूछा था सौरभ जी कि यहाँ पे वो बार बार धर्म की बात कर रहे हैं, ये कह रहे थे हिंदू धर्म के बारे में। अगर ये इतने बड़े हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं, मुझे बताइए 15 साल इनकी सरकार थी, क्यों देश को नहीं पता था कि ये माता कौशल्या का मायका है? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जुम करो। क्यों देश को नहीं पता था ये राम जी का ननिहाल है? क्यों माता कौशल्या के मंदिर में एक भी ईंट नहीं लगाई थी और उसको ताले में बंद कर दिया था? क्यों राम वन गमन पथ का इन्होंने काम नहीं किया था और देश को यही नहीं बताया था कि राम जी ने अपने जो उनको वनवास मिला था उसमें से सबसे अधिक समय यहाँ बिताया था? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है, मजा आया। तो राम जी आपको तब याद आते हैं जब उत्तर प्रदेश में वोट चाहिए होते। जो राम जी का ननिहाल और जो माता कौशल्या का मायका है उसका 60,000 करोड़ आप क्यों दबा के भेज रहे हैं? एवरीबॉडी, सबके सब चोर हैं साले। दीजिए ना राम जी के ननिहाल का पैसा वापस, ताकि यहाँ पे और प्रोग्रेस। भूपेश बघेल ने राम जी का काम किया। ऐसा है कि रायपुर की कैसा हिंदू धर्म है? बीच में नहीं बोली। अच्छा बोलेंगे? मैं नहीं बोलती आपके बीच। बिल्कुल बोलेंगे, आप झूठ बोलेंगे तो बोलेंगे। चाय चाय करने से बात नहीं समझ में आती। अच्छा बोले, रुक तेरे को बताते तेरी माँ। थोड़ी मर्यादा रखिए। अरे मैं आपकी तरह थाली में पलट नहीं सकती ना बैंगन बनके। इमोशनल डैमेज। प्रधानमंत्री जी की माता जी जब खत्म हुई थी, जब उनका देहांत हुआ था, हमने तो कभी नहीं देखा कि माँ के मरने के बाद बेटा सर नहीं मुंडवाता। प्रधानमंत्री जी ने वो नहीं किया। तो बार बार देश को बरगलाना हिंदू धर्म के नाम पर, दिस इज टू पर्सनल, दिस इज टू पर्सनल, क्यों सच है? इट इज नॉट पर्सनल, ये सच है। अगर आप देश को बार बार बोलते हैं, मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं, तो प्रधानमंत्री ही खुद हिंदू धर्म को खतरे में डाल। जानती होंगी इंडिया नाम में डी को डकैत बोलने पे आपको तकलीफ नहीं हुई, लेकिन प्रधानमंत्री आपके अलायंस के लिए बोला जा रहा था तो सौरभ जी को बहुत तकलीफ हो गई। कोई मुझे देख रहा है कि तकलीफ मीडिया को तब नहीं होती कि प्रधानमंत्री जी मणिपुर क्यों नहीं जा रहे। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ। हेमंत विश्व शर्मा को आप भेजते हैं असम के मुख्यमंत्री को यहाँ प्रचार करने के लिए। हेमंत विश्व शर्मा कहते हैं कि यहाँ पर जगह जगह जो है धर्मांतरण हो रहा है। भूपेश बघेल कहते हैं हम सेक्युलर हैं, तो ये कैसा सेक्युलरिज्म है? फिर वो कहते हैं ये देश हिंदुओं का है, हिंदुओं का ही रहेगा। ये छत्तीसगढ़ में बताने की क्यों जरूरत है? देखिए क्या बात है सर, ये बात है। चलने से पूरा का पूरा भारत जुड़ जाएगा, क्योंकि मेरे हिसाब से भारत उसी दिन जुड़ गया था जब मोदी जी के कहने पर पूरे भारत ने एक साथ कोरोना से लड़ाई करी थी, एक साथ गठन हो गए थे। क्या बयान दिया है आपने भाई, वाह वाह वाह। रुको जरा, सबर करो। बिल्कुल, देखिए कोरोना में सब साथ थे। मैं तो आज वो थाली चम्मच लाया नहीं तो बजा भी देता। गजब बेइज्जती। सब साथ थे, और दिया बत्ती और गोबर का लेप और गोमूत्र सब साथ थे। अगर पलट के मैं आपको चार शब्द बोल दूं तो कैसा लगेगा? मैं नहीं बोलूंगा। लेकिन उसके बावजूद 50 लाख लोगों की मृत्यु हुई, और उसके बावजूद गंगा का किनारा लाशों से पट गया, और उसके बावजूद आज सरकार कहती है कि अगर किसी की मौत वैक्सीन लेने से होती है तो सरकार जिम्मेदार नहीं। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। भी बहुत कुछ हुआ, वो लोग मंत्री थे और आज भी मंत्री हैं। गो कोरोना गो, गो कोरोना गो, वो वाले मंत्री हैं आज। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये भी हुआ कि जो हमारे कोरोना वॉरियर्स थे उनके ऊपर फूल भी बरसाए गए, लेकिन बाद में तनख्वाहें नहीं दी गई। मैम, आपको बहुत गुस्सा आया जब राहुल गांधी जी को उन्होंने फूल करके संबोधित किया। अच्छा, तो आपको ये नहीं लगता कि जब राहुल गांधी और आपके और भी बड़े नेता हमारे पूरे देश के पीएम को जब चोर बोलते हैं तो हम लोगों को कितना गुस्सा आता होगा? और जो इन्होंने एक सवाल पूछा, प्रधानमंत्री जी को कहते हैं तो बुरा लगता है, जब प्रधानमंत्री जी, मुझे नहीं पता वो बच्ची कहाँ गई, लेकिन जब प्रधानमंत्री जी हमारी चुनी हुई अध्यक्ष को जर्सी गाय और हमारे लीडर को हाइब्रिड बछड़ा और एक ब्याहता को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहते हैं ना बेटा, तो हमें भी बहुत गुस्सा आता है। प्रधानमंत्री के मुंह से ऐसी बात नहीं निकलनी चाहिए। बात तो सही है।
प्रधानमंत्री को मंच से ये नहीं कहना चाहिए कि कपड़े देखकर पहचान लिया जाता है। देश संकट में है।